हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हो रहा है टाइम 3:30। और आज मैं ना बिल्कुल भी खाना पीना करने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं की हूँ। मैंने सोचा कि चलो कुछ काम था जो कि मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि चलो काम कर लेती हूँ। और बहुत दिन हो गया है, मैं सोच रही थी कि घी जो होता है ना वो बनाने का, क्योंकि मेरे पास जो होता है ना मलाई दूध का, तो वो बहुत दिनों से रखा हुआ था। और उसको ना बहुत दिन अगर रख दो देते हो तो अजीब सा स्मेल आने लगता है। चाहे उसको आप फ्रिज में ही क्यों ना रखो, लेकिन ना अच्छा स्मेल नहीं आता उसका। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसका जो घी है वो निकाल लेती हूँ। और देखिए, अभी मैंने इसको सिर्फ 5-10 मिनट के करीब ही फेंटा हुआ है। फेंटने के बाद डायरेक्ट मैं इसमें कढ़ाई में ही डाल दी हूँ। और इस कढ़ाई को ना आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो बस इसमें मैं ये सब काम कर रही हूँ जो घी बनाने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें, कोई भी जो नॉनवेज है वो नहीं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें ही ये काम कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा गंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये ना बहुत पहले का कढ़ाई है, जबकि मेरी सासू माँ लोग इसको यूज़ कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था। साफ़ सुथरा मतलब इसका कढ़ाई का जो रंग ढंग है ना वो ऐसा ही है, क्योंकि इसको आप जितना भी साफ़ करो ना ये होता नहीं है साफ़। और आजकल जो कढ़ाई मिल रहे हैं ना, जो पीटते हैं बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो सब कढ़ाई ना साफ़ सुथरा रहते हैं। और आप उसको एक बार बस हाथ लगा दो, हाथ चला दो अच्छे से, तो साफ़ हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को, इन सारे कढ़ाइयों को ना आप जितना भी साफ़ करो बिल्कुल वैसा कि वैसा ही रहता है। और अभी यहाँ पे मैं रात की जो डिनर की तैयारी है वो कर रही हूँ। और आज मैं रात को बनाऊँगी जो उड़द दाल की सब्ज़ी होती है वो ही। और मेरे पास ना आज बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड मार्केट भी नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई सब्ज़ी अगर ना हो ना, तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना कभी, बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको ना जो कोफ्ता भी बोल सकते हो, उड़द दाल की कोफ्ते की सब्ज़ी भी बोल सकते हो। तो बस उसको मैंने ना 3-4 घंटे पहले से ही इसको भिगाया हुआ था, भिगो कर रख छोड़ा था, तो ये अच्छे से भीग चुका है। तो उसको अभी मैं पीसूँगी। पीसने से पहले मैं पहले यहाँ पे निकाल रही हूँ मसाला, और जो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ लहसुन और जो है प्याज और जीरा। बस तीनों से ही मैं मसाला तैयार करूँगी, और अदरक तो नहीं है। और आजकल ना मार्केट सब बंद पड़ा हुआ है और टाइम पे ही खुलता है, तो हस्बैंड सो के भी नहीं उठते हैं जल्दी आजकल, तो इसीलिए ना। और आजकल मैं देख रही हूँ कि सब लोग ना बिल्कुल आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना दिन जो लॉकडाउन के सीज़न में सब लोग ही अभी घर पर बैठे हुए हैं। कुछ दिन तो अभी देखना, जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा ना, जब सारा कुछ खुल जाएगा भी, तब भी कुछ लोग ना बाहर निकलने से तो उनको बहुत ही ज़्यादा आलस होने वाला है, क्योंकि इतना दिन आराम करने के बाद फिर अचानक से अगर कुछ करने जाओ ना तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे कि छोटे छोटे हम लोग जब रहते थे ना, तो पढ़ाई अगर कुछ दिन छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर जब स्कूल खुल जाता है तो जाने में ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं बताना मुझे, और सबके साथ होता है और आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो चलिए अभी मैं पीसती हूँ मसाला, और सिलबट्टे पर पीस रही हूँ आज, क्योंकि कभी कभार सिलबट्टे पर मसाला पीस के सब्जी बनाओगी ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, तो इसीलिए मैं कभी कभार ही पीसती हूँ, नहीं तो रोज़ रोज़ पीसती पीस के ही बनाती। मुझे बहुत टेस्टी लगता है इस सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसालों के साथ, सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अभी पीस रही हूँ मसाला, और सिलबट्टे को ना मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे, मैं सोच रही थी कि सिलबट्टे पर रोज़ ही मसाला पीस के बनाऊँगी, लेकिन ना फिर ऐसा हुआ ना कि कुछ दिन पीसने के बाद फिर मैं रख दी थी इसको, और उसके बाद ये पूरा गंदा हो गया था, पूरा गंदा हो गया था। तो फिर मैं उसको, अभी कितना ज़्यादा मेहनत लगा मुझे इसको साफ़ करने में, तो अब सोच रही हूँ कि 2-4 दिन में एक बार पीस लिया करूँगी, ताकि मेरा सिलबट्टा जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो देखिए अभी मसाला मेरा पीस चुका है, तो अभी उड़द की जो दाल है वो पीस लेते हैं। Thank you.
तो अभी मेरा जो पीसने का काम है वो ख़त्म हुआ, तो अभी मैं यहाँ पे प्याज तेल जो भी मुझे सब्ज़ी में चाहिए वो निकाल रही हूँ। और कभी आप लोग ना इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी लॉकडाउन जो है उसमें तो साग सब्ज़ी भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, जिनके आसपास मिलते हैं वो लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन ना जिनके यहाँ नहीं मिल रहे हैं वो लोग बस आलू खाते खाते बोर हो रहे होंगे। तो मैंने सोचा ये सब्ज़ी एक बार आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों को पता भी नहीं होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करना और बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर। टमाटर थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरा, ख़राब मतलब कि जो कि ऊपरी भाग होता है ना टमाटर का, वो थोड़ा सा ना दाग वगैरह जैसे लग गया था, तो चलेगा और क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और आज मार्केट भी हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग मतलब हस्बैंड नहीं गए हैं, तो इसीलिए। और ये आखिरी टमाटर था मेरे पास चार जो कि छोटे छोटे थे। तो अभी यहाँ पे मैं उड़द दाल को थोड़ा सा मिर्च का पाउडर और नमक देकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसको मैं भजिया जो जैसे हम लोग भजिया तलते हैं उसी की तरह से मैं इसको तलूँगी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई पर तेल ले रही हूँ और तेल को अच्छे से गर्म होने दूँगी। और इसको आप स्टीम करके भी बना सकते हो, जैसे कि हम लोग बेसन की सब्जी बनाते हैं स्टीम करके, बहुत ही टेस्टी बनता है उबाल कर बनाने से भी। तो इसको मैं अभी तलकर ही बना रही हूँ, कभी किसी दिन दिखाऊंगी वो वाली रेसिपी भी। तो देखिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद इसको तल लूँगी भजिए की तरह। और अगर जो अरबी का पत्ता होता है उससे भी ये सब्ज़ी बनाने से बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोगों ने तो खाया होगा, बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने एक हिंदी वीडियो में ना, मेरा हो गया है बहुत दिन हो गया है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने न्यू स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने जो अरबी और ये जो उड़द की दाल है उसकी सब्ज़ी मैंने शेयर किया हुआ था। तो उस टाइम थोड़ा सा मेरा किचन जो है लाइटिंग प्रॉब्लम थी, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा था, वीडियो का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो शायद और बहुत सारे लोग हैं कि नहीं भी देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन। और देखिए अभी मैं इसको तल रही हूँ, तो इसको सारे भजियों को मैं जो है ब्राउन कलर होने तक तलूँगी। और देखिए अभी मैंने ब्राउन कलर हो गया है, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। और ज़्यादा तेल मैंने नहीं लिया है तलने के लिए, क्योंकि ज़्यादा तेल अगर लेते हैं तो भजिया तलने के बाद जो तेल बच जाता है ना उसको रीयूज करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मैं उसमें सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसी सब्ज़ी के हिसाब से ही तेल लिया है, ताकि थोड़ा जो भजिया है वो तल जाए और उसी के साथ थोड़ा सब्ज़ी भी बन जाए, तो उसी के हिसाब से मैंने तेल लिया था। तो देखिए अभी धनिया डाला है, और धनिया और प्याज को डाला है मैंने, और हम बहुत सारे लोग हैं जो कि खड़े मसाले भी डालते हैं। तो आप लोगों ने तो देखा होगा कि हम लोग कभी खड़े मसालों का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते खड़े मसाले, तो इसीलिए। तो देखिए अभी मैंने जो मसाला है उसको डाल दिया है, और मसालों को डालने के बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करूँगी। और सूखे मसाले मतलब कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये सब नहीं डालूँगी, बस मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो बस ये सब जो कश्मीरी वाली पाउडर होती है वो सभी डाल रही हूँ मैं। और जो मैं पीसती हूँ ना उसको नहीं डालती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जीरा नहीं पीसा हुआ होता तो शायद मैं जीरा डालती, शायद नहीं मैं डालती। तो अगर आप लोग कभी भी मसाला पीस रहे हो तो जीरा, अगर आप लोग पीसे हुए हो जीरा धनिया, तो आप लोग उसका जो पाउडर होता है ड्राई मसाला वो मत डालिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए अभी मैं इसको मसालों को अच्छे से भूनूंगी ढक ढक कर 10-15 मिनट के लिए। तो देखिए अभी मसालों में से तेल जो है वो निकल चुका है, तो अभी इस टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और फिर टमाटर को भी अच्छे से जो है पकने दूंगी। और कसूरी मेथी जो है मैं पहले नहीं डाली थी, बिल्कुल भूल गई थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। और कसूरी मेथी से भी जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है, आप लोग ज़रूर करना ट्राई कभी कभी। क्या बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो आप लोग ज़रूर करना अगर नहीं करते हो तो। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाला है, और बिना पानी के सूखे मसाले जो हैं वो लग जाते हैं नीचे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और फिर
जो है ढककर इसको भी आराम से 5-7 मिनट तक अच्छे से भूनने दूंगी मसालों के साथ टमाटर को। और जो उड़द की दाल है जिसमें मैंने उड़द की दाल को मिक्स करके तला था, उसी उड़द की दाल थोड़ा थोड़ा सा लग गया था जो बर्तन है उसमें, तो उसी से मैंने पानी डाला है। और देखिए अभी मेरा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है और तेल पूरा ऊपर आ गए हैं। अगर तेल आपका ऊपर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मसाला हमारा भुन चुका है। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी मैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालूँगी, जितना हमें खाना है, जितना हमें ग्रेवी भी चाहिए उसी के हिसाब से। और फिर मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, जितना आप लोग खाना पसंद करते हो। तो देखिए अभी मैं इसमें डाल दी हूँ भजिए को, जो उड़द की दाल की भजिया है उसको। तो देखिए अभी उसको डालने के बाद अच्छे से पकने दूंगी, उसी के साथ 5 मिनट तक इसके साथ पकाऊंगी, तो फिर रेडी हो जाएगा मेरा सब्जी। तो आज का मेरा जो डिनर का रूटीन है ये सब था। मैं रोटी तो नहीं बना रही हूँ, चावल बनाऊंगी उसके बाद, और बाद में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।